Hello students, welcome to Arrowmite channel. Aaj hum seekhenge science chapter number 11, work and energy. Agar aap is channel par naye ho to jaldi se subscribe karo aur pass wali bell icon ko dabao taki aapko har chapters ke update milte rahein. Aapke liye playlist taiyar ki hai taki aap sabhi science ke chapters line se dekh pao. Iski link description mein hai. So let's start. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आदमी बॉक्स को कैरी कर रहा है। इस दूसरी वीडियो में नेल वुड के अंदर फिक्स किया जा रहा है। तीसरी वीडियो में लड़का टायर को धक्का दे रहा है और चौथी वीडियो में आदमी स्लेज को खींच रहा है। इन चारों वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ने प्लेस चेंज की। साइंटिफिक शब्दों में ऑब्जेक्ट की पोजिशन डिस्प्लेस्ड हो गई। जब फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्प्लेस्ड होती है तब हम कहते हैं कि काम पूरा हुआ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क वर्क को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एम्प्टी बॉक्स को स्ट्रिंग से बांधो। उस बॉक्स को 10 मीटर तक स्ट्रेट लाइन में खींचो। बाद में उस बॉक्स में 20 बुक्स डालो और फिर से 10 मीटर एक स्ट्रेट लाइन में खींचो। इस दोनों एक्टिविटीज में डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन पहली एक्टिविटी पर फोर्स कम लगाया है, दूसरी एक्टिविटी पर फोर्स ज्यादा लगाया है। फोर्स जिधर ज्यादा लगा है वहां पर हम कह सकते हैं काम भी ज्यादा हुआ है। मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। अब इन बुक्स को 20 मीटर डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन में खींचो। इन दोनों एक्टिविटीज में सेम फोर्स लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि काम यहाँ पर ज्यादा हुआ है और यहाँ पर काम कम हुआ है। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। इन शॉर्ट, अगर आपको वर्क मेजर करना है तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर करना होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में बच्चा कार के साथ खेल रहा है। फोर्स की वजह से कार की पोजीशन डिस्प्लेस्ड हो गई, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि काम पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में उसकी एनर्जी लगाए गए फोर्स की जरिए वर्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। एनर्जी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए ग्राउंड के चक्कर लगाओ। क्या आपके दोस्तों ने उतने ही राउंड्स लगाए जितने की आपने? क्या आपके हर दोस्तों में उतनी कैपेसिटी है जितनी की आपकी? आपके दोस्तों ने आपसे ज्यादा या फिर कम राउंड्स लगाए होंगे। कुछ दोस्त एक दो राउंड में ही थक गए होंगे। इससे यह साबित होता है कि हर एक के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है। आपने उतने ही राउंड्स कंप्लीट किए जितनी आपके अंदर कैपेसिटी थी। काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। क्या आपको पता है वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है? वर्क और एनर्जी दोनों ही जूल्स यूनिट में मेजर किए जाते हैं। एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क जैसे कि पुशिंग अ टेबल, पुलिंग अप अ लोड, लिफ्टिंग अप अ बकेट एटसेट्रा। किसी एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने दोस्तों के साथ रबर बैंड से या फिर गुलेल से फल तो तोड़े ही होंगे। गुलेल का रबर आप जब स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तब उसमें रखा हुआ स्टोन फेंका जाता है और रबर बैंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है। उसी तरह जब आप किसी स्प्रिंग टॉय को की देकर छोड़ देते हो तो वो टॉय नाचने लगता है। इन वीडियो में ऑब्जेक्ट की प्लेस डिस्प्लेस्ड हो रही है, यानी कि वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क को होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक स्टेट या पोजिशन के कारण स्टोर रहती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी
इस एनर्जी को आसानी से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। दो बॉल लो और उसमें से एक बॉल टेबल के सेंटर में रख दो। दूसरा बॉल भी टेबल पर रखकर उसे पुश करो, जिससे वो पहले वाले बॉल से टकराए। जब दूसरे बॉल ने पहले बॉल को हिट किया, तो आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि दूसरा बॉल अपनी जगह से हिल गया, यानी डिस्प्लेस्ड हो गया। लेकिन उस दूसरे बॉल को एनर्जी कहाँ से मिली? जी हाँ, उसको एनर्जी पहले बॉल से मिली। एनर्जी जो मोशन से प्राप्त होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हिट एनर्जी। सन से अर्थ को हिट प्राप्त होती है। इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण ही अर्थ पर लिविंग बीइंग का निर्माण हुआ है। हिट एक एनर्जी का फॉर्म है। हिट एनर्जी हमको सनलाइट से मिलती है, लेकिन हम हिट एनर्जी को फ्यूल बर्न करके भी जनरेट कर सकते हैं। हिट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और कुकिंग में हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। हिट को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। लाइट एनर्जी। हमने पहले सीखा था कि सनलाइट के मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि लाइट की एनर्जी फूड बनाने में काम आती है। प्लांट्स और एनिमल्स इस फूड्स पे सर्वाइव करते हैं। इससे यह साबित होता है कि लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एनर्जी। आपने ओपेरा सिंगर्स को टीवी या मोबाइल पे गाते हुए सुना होगा। ओपेरा सिंगर्स रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी में गाकर किसी भी ग्लास को तोड़ सकते हैं। कुछ टॉयज साउंड के जरिए कंट्रोल होती है। इससे पता चलता है कि साउंड के जरिए भी वर्क पूरा हो सकता है। इससे यह साबित होता है कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। केमिकल एनर्जी। वुड जब बर्न होता है, उससे हमको हिट और लाइट मिलती है, लेकिन कभी कभार वुड से क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है, जो एनर्जी वुड के अंदर स्टोर होती है, वो केमिकल एक्शन के जरिए बाहर निकलती है। लेड एसिड बैटरी, जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी है, उसके अंदर भी केमिकल एक्शन जैसे कि सल्फोरिक एसिड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो एनर्जी केमिकल एक्शन से प्राप्त होती है, उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का काम पूरा होता है, तब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म होती रहती है। आइए हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की एक चेन के बारे में समझाते हैं। वाटर साइकिल के चेन में वाटर सन की हिट के कारण एवेपोरेट होता है। वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाते हैं, जिससे कि रेन होती है। रेन वाटर बहकर रिवर्स और डैम के रिजर्वॉयर में जाकर स्टोर होता है। ऊंचाई से गिरकर वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। जब वाटर टर्बाइन के ब्लेड को घुमाता है, तब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। रोटेटिंग ब्लेड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को घर में अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे कि बल्ब में जाकर वो लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, फैन में जाकर वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, म्यूजिक सिस्टम में जाकर साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, और ओवन से वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। इनडायरेक्टली हम सोलर एनर्जी को यूज करते आ रहे थे। इससे यह साबित होता है कि सन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स उससे ही स्टार्ट होता है। एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस को दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस भी कहते हैं, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस भी कहते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। जिस एनर्जी रिसोर्सेस को इंसान सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसे हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में कोल और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेस शामिल है। हमें इन रिसोर्सेस को संभालकर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। वुड का निर्माण होने के लिए कई साल लगते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस।
इन रिसोर्सेस का पारंपरिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन रिसोर्सेस को हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं और यह रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होते। इनको हम अलग अलग फॉर्म्स में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियानिक वेव्स और एटॉमिक एनर्जी शामिल है। सोलर एनर्जी। जिस एनर्जी को हम सन से प्राप्त करते हैं उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। यह एनर्जी हमें कंटिन्यूअसली और बड़ी मात्रा में मिलती है। सोलर एनर्जी को एनर्जी का रूट माना जाता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी से ही चेन की शुरुआत हुई थी। यह हमने पहले देखा था। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस भी डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर सेल एक्सेट्रा। पहले तीन डिवाइसेस में सन की हीट एनर्जी का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। उसी प्रकार सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स में भी यही होता है। उनकी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे सोलर सेल लगाए जाते हैं। विंड एनर्जी। विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड के जरिए विंडमिल्स को वेल से वाटर निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्रीक के नैरो रीजन पर वॉल बांधे जाते हैं। जब हाई और लो टाइड्स की वजह से वेव्स जनरेट होती है तब वॉल में लगाए गए टर्बाइन घूमने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक। हाइडेल पावर वो शक्ति है जिसे बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से प्राप्त किया जाता है। हाइडेल पावर से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और जिस पानी से पावर जनरेट होता है उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। पंजाब के भाखरा नांगल से और महाराष्ट्र के कोयना से हमें हाइडेल पावर मिलती है। एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम ओशियनिक वेव्स। सी वेव्स जब आगे की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तब वाटर की मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। इस मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। एटॉमिक एनर्जी। जब एटम्स जैसे कि यूरेनियम और थोरियम को स्प्लिट किया जाता है तब उससे पावर जनरेट होती है। इसकी खासियत यह है कि बहुत कम मात्रा में मिनरल्स का उपयोग करके बहुत बड़े पैमाने पर पावर जनरेट किया जा सकता है। बहुत ही कम कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।